अरे आला एनटीआर भाई भाई आने का टाइम हो गई है। जूनियर एनटीआर सर का, जूनियर एनटीआर के आने का टाइम हो गई है, तो भाई पार्टी तो बनती है ना। अच्छा देखो यार, मैंने आज वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा आराम करते, बिकॉज कल दो दो मूवी आ रही है, एंड हो सकता है उसमें से एक मूवी को अपन को झेलना पड़े, तो उसको झेलने के लिए मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर रहा था, बट मेरे को मजबूर कर दिया एनटीआर सर के ये अनाउंसमेंट ने। एंड भाई मतलब ये अनाउंसमेंट सुन के मेरे को जो मजा आ रहा है, जो फील आ रहा है, एकदम कड़क एकदम। अच्छा देखो, सबसे पहले तो जूनियर एनटीआर के करियर की सबसे अलग मूवी होने वाली है, सबसे अलग, बिकॉज यार आप जूनियर एनटीआर की जो मूवीज उठा के देखते हो उसमें से आपको देखो यार कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीख लेने को मिलता है उसको, मतलब यार देखने को लगता है कि बंदा ऐसी मूवी बनाता है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, बट ये जो मूवी होने वाली है ना भाई, एक अलग होने वाली है, बिकॉज इसमें आपको जो एक्शन देखने को मिलेगा, आपको जो मास मसाला एंटरटेनिंग खून खराबा जो देखने को मिलेगा ना, वो एक अलग लेवल पे लेके जाएगा इस मूवी को। एंड सबसे बड़ी बात, ये मूवी रिलीज हो रही है पैन इंडिया लेवल पे, मींस के भाई पूरे के पूरे इंडिया में, एंड हम जाके इसको एंजॉय करेंगे। भाई जूनियर एनटीआर सर आपका स्वागत है। अच्छा पहले इनका जो स्वागत हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिपल आर के, मतलब ट्रिपल आर से, बट ट्रिपल आर एक अलग मूवी थी भाई, बिकॉज ये अलग होने वाली है, बिकॉज ये मतलब ये जो मूवी होगी ना कसम से मजा आ जाएगा भाई। एनटीआर सर ने एकदम दिल खुश कर दिया। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, दिल से बताना चाहता हूं, मेरे को ऐसा लगता है आज से 3-4 साल 5 साल पहले जब हमने मतलब ये जो जो मूवीज होती थी साउथ की, जब हम इसको मोबाइल्स पे देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे या फिर कहीं पे भी देखते थे, एंड उस टाइम पे मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड को जो देखता था पहले, मतलब जो बॉलीवुड को देखता रहा उसकी बात कर रहा हूं, मतलब दिल में ये ख्याल आता था कि भाई देखो सलमान खान कब तक के कब टपक गए क्या पता, सॉरी मजाक कर रहा हूं, उसके बाद शाहरुख खान मतलब या फिर आमिर खान, इनके ऊपर कब तक चलोगे, मींस के इनकी मूवीज आती है तो चलती है, बाकी जो मूवीज आती है फ्लॉप हो जाती है ना। आज के टाइम पे ये चीज चल भी रही है, आपको पता होगा, बिकॉज बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ रही है सारी की सारी फ्लॉप ही जा रही है, एंड सिर्फ हम 2-3 मूवीज के ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई टाइगर ट्री आएगा तो चलेगी, पठान आएगा तो चलेगी, उसके बाद डंकी आएगा तो चलेगी, मींस के 4-5-6 मूवी है गिनाने के लिए कि भाई हो सकता है ये आए तो बॉलीवुड को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। मतलब देखने से तो बॉलीवुड उन मतलब जो बड़े बड़े सुपरस्टार है उनके बाद खत्म है ऐसा लगता है, तो हम लोग सोचते थे भाई इनके बाद क्या होगा, भाई इनके बाद ये होगा कि भाई जो साउथ के जो बड़े सुपरस्टार है जिनको थिएटर के अंदर देखना हमारा ड्रीम होता था, हमारा सपना होता था, वो आएंगे भाई पैन इंडिया लेवल पे, एंड वो लोग लेके जाएंगे हमारे इंडियन सिनेमा को आगे, एंड आने वाले टाइम में भाई हमारा सिनेमा इंडियन सिनेमा बनेगा एटलीस्ट ये बॉलीवुड और साउथ को छोड़ के, ऐसा लगता है मेरे को भाई आने वाले टाइम में ये चीज होगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना भाई बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, बिकॉज भाई रॉकी भाई, अब तो रॉकी भाई भाई जब भी आएगा बॉक्स ऑफिस पर बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। प्रभास वो भाई आने वाली, मतलब इसकी जो पिछली मूवी है प्रभास की दो फ्लॉप हुई, बट इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में बंदे की मूवी सुपर डुपर हिट नहीं, आपको पता है आदि पुरुष का जो क्रेज है, आपको पता है सलार का जो क्रेज है, तो भाई प्रभास है हमारे पास, जूनियर एनटीआर, रामचरण भाई, बहुत सारे सुपरस्टार है, महेश बाबू नहीं आ रहे, तो भाई मतलब मजाक कर रहा हूं, महेश बाबू का नाम लिया तो सीरियस मत हो जाना, तो भाई अब हमारे पास ऐसे ऐसे सुपरस्टार है भाई, मतलब के भाई अब फाइनली आने वाले टाइम में हमारा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, मेरा मतलब है हमारे इंडियन सिनेमा का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट लग रहा है मेरे को। एनीवेज यार एनटीआर जो 30 की जो अनाउंसमेंट हुई इसको देखकर तो मेरे को एकदम मजा आ गया। अनुरुद्ध सर का जो म्यूजिक है, म्यूजिक आप देख रहे हो, उसके बाद वो अनाउंसमेंट के अंदर जूनियर एनटीआर की जो आवाज हिंदी के अंदर, भाई बंदा जो डायलॉग बोल रहा है जबरदस्त। अभी देखो यार हमने केजीएफ देखी, केजीएफ में डबिंग थी, हिंदी में वॉइस नहीं थी उनकी, मतलब डबिंग थी। प्रभास देखते तो प्रभास भी खुद की आवाज इतनी सूट नहीं होती, बट सबसे अच्छी हिंदी कौन बोलता है, एनटीआर सर। एनटीआर सर का भाई ये जो डायलॉग्स डिलीवरी जो हिंदी के अंदर एकदम फाड़ू, एकदम जबरदस्त, एकदम फिट, प्लस भाई वो जो खून खराबा जो 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 छुरा उरा दिखा रहे कुल्हाड़ी टाइप पता नहीं, वो खून खराबा खून लगा हुआ है, सब देख के एकदम मजा आ गया मेरे को, एकदम फील आ गया। एंड भाई ये मूवी का बहुत ज्यादा वेट रहेगा। अच्छा एक और मूवी है जो कि भाई पैन इंडिया लेवल पे बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी प्रशांत नील सर के साथ, बट उसका अनाउंसमेंट कब होगा उसका अता पता नहीं है, बट ये जो अनाउंसमेंट हुआ इसको देख के एकदम दिल खुश हो गया। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी इसको लेकर आओ, बिकॉज भाई वेट नहीं हो रहा हमसे, बिकॉज भाई ऐसी ऐसी मूवीज का अनाउंसमेंट होता है ना तो कसम से मजा आता है, एकदम फील आ जाता है। जैसे कि मेरे को सलार का बहुत ज्यादा वेट है मेरे को, मतलब कुछ कुछ मूवीज होती है जिसका अनाउंसमेंट सुन के एकदम फील आ जाता है। आप इसको रख लो, आप जूनियर एनटीआर की मूवी को रख लो, इसको देखने का जो मेरे अंदर वो कीड़ा कूद रहा है ना मेरे को, बिकॉज ऐसी मूवी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि केजीएफ हो गई, मतलब खून खराबा मार धाड़ इसको देख लो, ये ना मतलब ऐसी मूवीज देखने का एक अलग ही मजा होता है अपना। एनीवेज फिर आप पुष्पा 2 को रखो, एकदम मार धाड़ मतलब झुकेगा नहीं साला, मतलब ऐसी मूवीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। एनीवेज आप लोग बताओ मेरे को ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इससे आप लोग मतलब जो मजा मतलब एक फील आया आप लोगों को, मेरे को तो अलग ही फील आया भाई, बहुत ज्यादा मजा आया, बिकॉज एनटीआर सर आपका भी स्वागत है। एंड भाई एनटीआर सर को लाओ, रॉकी भाई की मूवीज को लेके आओ, अल्लू अर्जुन की मूवीज को लेके आओ, सारी की सारी मूवीज को लेके आओ, महेश बाबू सर आप भी आ जाओ यार, आपको तो आना ही नहीं है, मतलब क्या ही कर सकते, बाकी अगर आप भी आते तो यहाँ से फुल स्वागत करते थे, अगर आपको ही नहीं आना है तो हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।